Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 18th of January 2019. तो 18 जनवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 23rd जैन टीचर द पार्श्वनाथ हु वाज द इमीडिएट प्रेडिसेसर ऑफ महावीर. आपको बताना है कि ही गेव फोर ग्रेट वोज. सो पार्श्वनाथ गेव फोर ग्रेट वोज एंड टू दीज महावीर एडेड द फिफ्थ वन. तो आपको बताना है कि विच वॉज द फिफ्थ वो विच वॉज एडेड बाय महावीर. सो ऑप्शन आर एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग, बी इज नॉन इंजरी, सी इज ब्रह्मचर्य या डी नॉन अटैचमेंट. क्वेश्चन नंबर टू इज अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय. इनमें से किसने जो 1857 की अपराइजिंग थी उसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था. ऑप्शन आर एस एन सेन, आर सी मजूमदार, बी जी तिलक या वी डी सावरकर. क्वेश्चन नंबर थ्री इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सी सी पी आई इज पब्लिश्ड बाय. इनमें से कौन सी सी पी आई पब्लिश करता है. ऑप्शन आर यूएन एफ ट्रिपल सी सेक्रेटेरिएट, यू एन ई पी, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम या जर्मन वॉच. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now let's start with the news analysis part, friends. If you have the newspaper in either digital or physical format, please open that. We will be starting with the front page. So let's start. The first news is from the front page, and that is regarding the Rafael deal. So Rafael के बारे में कुछ हम facts जान लेते हैं. First thing कि कौन बनाता है, किससे हमने deal की थी. तो basically India had a deal of 36 Rafales from France. Okay, तो पहली चीज तो किस country के साथ deal की है, France के साथ deal की है. Now which is the company that is making that, it is made by Dassault Aviation. So second important fact is the Dassault Aviation. तो किसने बनाया है, Dassault Aviation ने बनाया है. Now what is the fact about Rafael, kya hai Rafael? Rafael is basically medium multi-role combat aircraft. Medium multi-role combat aircraft, यानि कि अलग-अलग type के role ये perform करेगा. केवल एक role नहीं है, अलग-अलग type के role perform करेगा. Now, a timeline has been given कि किस तरीके से जो cost थी वो बढ़ती गई, and that is because of the number of Rafael aircrafts which was decreased from 126 to 36. Okay, तो 2007 में जो deal होने की बात शुरू की थी, that was from 126 aircraft. Okay, 126 aircraft. और आप देख लीजिए जो euro million में उसकी price दी है वो 79.3 दी है, और जो अलग से cost लग रही है design development में वो केवल 11.11 लग रही है. Okay, but 2016 में आते आते we decreased the number of aircrafts from 126 to 36, and see you can see the design and development cost that is in red, जो red marking में दिया हुआ है, that increased from 11.11 to 36.11. तो यही चीज इस न्यूज आइटम में बोला गया है कि जो हमने जब नंबर ऑफ रफेल जेट्स जब डिक्रीज किए, व्हेन वी डिक्रीज द नंबर ऑफ रफेल जेट्स, तो जितने जो नॉन रिकरिंग कॉस्ट थी, द नॉन रिकरिंग कॉस्ट जो पहले 126 एयरक्राफ्ट में डिवाइडेड थी, वो सेम कॉस्ट अब 36 एयरक्राफ्ट में डिवाइड हो गई. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई द प्राइजेस ऑफ रफेल दे वर इंक्रीज्ड बाय 41% अप्रॉक्सिमेटली 41%. तो एक ये रीजन दिया गया कि किस किस लिए प्राइस बढ़ी, बिकॉज वी डिक्रीज द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम 126 टू 36. ओके, अब ये कॉस्ट अलग से क्यों लग रही है, जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है. नाउ व्हाई दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट वॉज देयर, तो लेट मी टेल यू दैट कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो हर अलग कंट्री के लिए अलग स्पेसिफिकेशंस रखते हैं, क्योंकि हर कंट्री का क्लाइमेट चेंज होता है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट टोपोग्राफिक फीचर्स, अलग अलग क्लाइमेट होता है. सो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए एडजस्ट होने के लिए डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस या डिफरेंट स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स आर नीडेड. सो इन इंडियन केस रफेल नीडेड 13 इन्हांसमेंट्स. यू कैन सी इट हियर, 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स वर नीडेड. सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया जो 13 स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स है, इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स है, इनको करने के लिए अलग से डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लग रही थी. बट अर्लियर दैट कॉस्ट वाज डिवाइडेड इनटू 126 एयरक्राफ्ट, बाद में वो कॉस्ट डिवाइड हो गई केवल और केवल 36 एयरक्राफ्ट्स में. तो दैट इज द रीजन व्हाई द प्राइजेस ऑफ रफेल दे इंक्रीज्ड बाय 41%. 41% उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई. सो दिस इज द रीजन दैट हैज बीन साइटेड इन दिस न्यूज आइटम. सो दिस वाज न्यूज नंबर वन. Let's move to the second news item from the front page only. You can see in the photographs, this is Jallikattu. Okay, so Jallikattu, आपको पता है, bull taming का एक स्पोर्ट्स की तरह लिया जाता है, एंड पोंगल फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान ये किया जाता है इन तमिलनाडु. ओके, सो रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट, तमिलनाडु जलीकट्टू एंड पोंगल फेस्टिवल, थ्री आर इंटर रिलेटेड. इसके अलावा कर्नाटका में कंबाला रेस होती है, देयर इज अनदर कंबाला रेस इन कर्नाटका, सो रिमेंबर दैट एज वेल. तो ये दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट हो गई.
थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम इज अबाउट गुलशन महल इन मुंबई. सो व्हाट इज दिस गुलशन महल, इसको एज इट इज याद रख लिए. इट इज द होम ऑफ द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा. नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा गुलशन महल कहां पर है? न्यू दिल्ली में है. एंड ये नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा. सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. दीज आर द थ्री न्यूज आइटम्स फ्रॉम द फ्रंट पेज. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स और आए हैं आज. सो द नेक्स्ट न्यूज इज द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लोसार फेस्टिवल. ओके, तो लोसार फेस्टिवल के रिगार्डिंग ये न्यूज है इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछ सकता है वो क्या है कि किस स्टेट में होता है. तो फर्स्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट. स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर. वहां पे प्रॉपरली लद्दाख में ये फेस्टिवल होता है. लोसार फेस्टिवल इज स्पेशली रिलेटेड टू लद्दाख. रिमेंबर दैट. एंड यहां पर आपको एक एक और जगह का नाम इंपॉर्टेंट है विच इज गिवन. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय. ओके, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज गिवन. वेयर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन भोपाल. तो रिमेंबर दैट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड इन भोपाल. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दिस न्यूज आइटम. पहला तो लोसार फेस्टिवल कहां का फेस्टिवल है? ये लद्दाख का है. लद्दाख के आर्टिस्ट इसको करते हैं. देन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? इट इज इन भोपाल. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस न्यूज आइटम. आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड न्यूज आइटम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स हाउ द बार गर्ल्स टुक ओवर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. कैसे हुआ? बिकॉज इन 2016 देयर वाज अ ड्रेकोनियन लॉ विच स्ट्रिप्ड the dancers and bar dancers of their livelihood and dignity. 2016 में एक लॉ बनाया गया जिसमें कि जो डांसर्स थी और इस तरह से जो बार में डांस करती थी उनके ऊपर एक बैन लगा दिया गया था. यू कैन सी द टाइमलाइन हेयर इन द फ्रंट पेज. अप्रैल 2016 द महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन रूल्स 2016 वाज ब्रॉट इन. तो 2016 में ये महाराष्ट्र ने प्रोहिबिशन लगा दिया था ऑन द डांसेस इन होटल्स रेस्टोरेंट्स बार रूम्स एंड जो नाम था वो था प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन रूल्स 2016. ओके, सो इस नाम से उन्होंने एक लॉ लेके आए एंड दैट स्ट्रिप्ड द डांसर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड एंड डिग्निटी. नाउ जो स्टेट ने रीजन दिया वो क्या दिया कि दैट गर्ल्स वर यूजुअली द माइनर्स और देवर द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन. तो जो स्टेट गवर्नमेंट का कहना था कि जो जितनी भी ये महिलाएं डांसर्स हैं, ये बार डांसर्स और ये सारी चीज़ें हैं, दे आर यूजुअली द माइनर्स और विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन. बट जो बार गर्ल्स एसोसिएशन था, जो यूनियन था, उसने इसको चैलेंज किया और कोर्ट में जाके उन्होंने ये प्रूव दिया कि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ट्रैफिकिंग का शिकार ही नहीं है. क्या है कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है दे आर वेरी लो. द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लो. या तो आप प्रोस्टिट्यूशन में इंटर कर जाओ या फिर आप अपने लिए एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो कि आपकी डिग्निटी को भी मेंटेन रखे और आपको आपकी प्रॉपर लेवलीहुड भी प्रोवाइड करे. सो दैट वाज द थिंग विद दीज डांसर्स एंड ऑल. दे आर डूइंग दैट बट दे आर डूइंग दैट विद डिग्निटी. तो गवर्नमेंट को उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए. दे शुड नॉट जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि इनमें से जितनी भी लोग हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग का शिकार हुए. दीज आर द थिंग्स विच वर सेड बाय द बार गर्ल्स यूनियन एंड ऑल. नाउ द बार गर्ल्स हैव वॉलंटरली एम्ब्रेस्ड द डांस बार्स टू लिव विद डिग्निटी एंड अर्न देयर लाइवलीहुड. दिस इज व्हाट दे सेड. द बार गर्ल्स हैव वॉलंटरली एम्ब्रेस्ड दीज डांस बार्स टू लिव विद डिग्निटी एंड अर्न देयर लाइवलीहुड. सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज सेड एंड इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पेक्ट भी किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बैन था उसको हटा दिया है. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड दैट बैन. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट अलाउज द री ओपनिंग ऑफ डांस बार्स. दिस इज वॉट द जजमेंट ऑफ 2019 मीन्स. ओके, तो याद रखेगा. एंड यूनियन ने आर्ग्यू किया, जो डांस बार यूनियन था, कि नॉन ऑब्सीन परफॉर्मेंस होती है. नॉन ऑब्सीन मतलब ऐसा नहीं कि ये इरोटिक परफॉर्मेंस या किसी इस तरह की परफॉर्मेंस जो कि ऑब्सीन लगे. ये सारी नॉन ऑब्सीन परफॉर्मेंसेज हैं एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी. और उसके लिए आपको ये मेंटेन करना चाहिए, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट द यूनियन सेड एंड सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टूड दैट एंड दे लिफ्टेड द बैन ऑन दिस डांस बार. सो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, जल्लीकट्टू मैंने आपको पहले बता दिया इन तमिलनाडु. कंबाला मैंने आपको दोबारा बता दिया था कि इट वॉज इन कर्नाटका. ओके, सो नियरली 29 पीपल वर इंजर्ड इन द जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु. सो दिस इज द न्यूज आइटम विच इज इंपॉर्टेंट. लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन. द फर्स्ट एडिटोरियल इज रिगार्डिंग द कोलिजियम.
ओके, तो कोलिजियम के बारे में यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द कोलिजियम, एंड कोलिजियम के बारे में फिर से एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि पहले जो 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया था उसमें ये था कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस. देन इन 1993 देर वॉज द सेकेंड जजेस केस जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू हैव टू फॉलो वॉट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेज. ओके, सो दैट मीन्स इट वॉज नॉट consultation, it was the congruence of the Chief Justice of India. Therefore, final say kiska ho gaya? Chief Justice of India ka ho gaya. And in 1993 only, they gave a new term that is collegium, jisme Supreme Court ka Chief Justice hoga, plus two other senior most judges honge. In 1998, during the third judges case, the collegium was further expanded and it now comprises of the Chief Justice of India plus four senior most judges. Okay, to ye collegium ki history hai. Okay, now there has always been a controversy surrounding this appointment. क्यों होता है ऐसा, हमेशा क्यों होता है, क्योंकि कोलिजियम को लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओपेक मैकेनिज्म है, वेरी ओपेक मैकेनिज्म है कि किसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में देनी चाहिए, क्यों नहीं दी जाती, ये सारी चीज़ें हमेशा से एक इशू रहा है, कंटेंशियस इशू रहा है. ओके, नेपोटिज्म का भी काफ़ी लोग इशू उठाते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट इज रिडल्ड विद नेपोटिज्म एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कई बार बोली गई हैं. नाउ द बैकग्राउंड फॉर दिस इशू इज दैट कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि देर हैज़ बीन अ डिसीजन टेकन टू अपॉइंट दिनेश माहेश्वरी एंड संजीव खन्ना एज द टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि पहले ही इनका नाम सोचा जा चुका था और अब दोबारा नई मीटिंग में क्यों इनका नाम दोबारा लेके आया और क्यों इनको अपॉइंट किया गया, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस. इस इशू का जो बैकग्राउंड है वो ये है. नाउ द एडिटोरियल सेज देन दैट कि पहले जो मटेरियल था, पहले जो आपको सारे डिसीजन आप ले रहे हो एज एट कोलिजियम, यू शुड पुट दैट डिसीजन इन द पब्लिक डोमेन. आपको सारे डिसीजन कैसे, किस बेसिस पे, क्या आर्ग्यूमेंट्स आपके हैं, उन सारे डिसीजंस को आपको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए. एंड सीनियोरिटी कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरियन फॉर अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस. ये बहुत बड़ी पोस्ट है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीनियोरिटी को आप बेसिस बना के अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं. यू हैव टू पुट मेरिट इन प्लेस. आपको मेरिट को देखना पड़ेगा और आपको कंसिडर करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें. एंड यू हैव टू पुट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दैट कंसिडरेशन इन द पब्लिक डोमेन. आप पब्लिक डोमेन में बताओ ना कि आप क्यों अपॉइंट कर रहे हो उस व्यक्ति को. सीनियोरिटी के अलावा इनके अंदर क्या ऐसी बात है, इनके क्या ऐसे जजमेंट हैं जो कि दिखाते हैं कि इनके अंदर क्रेडिबिलिटी है, ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉलो किया गया है. सो यू हैव टू फॉलो अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म. अगर आपके पास ही, आपके हाथ में ही अपॉइंटमेंट की पूरी प्रोसेस है, देन व्हाई नॉट फॉलो अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय दिस एडिटोरियल. ओके, वेरी गुड. Now, editorial highlights that this reason does not convinces many people as collegium in an institution in itself. Okay, तो collegium के बारे में कई लोग credibility इसलिए decrease हो रही है because ये सारी opaque processes के कारण. तो these opaque processes, these non-transparent processes, इनके कारण क्या हो रहा है, जो credibility है of collegium as an institution, that is decreasing. Okay, तो ये चीज़ें author ने कही हैं कि आपको transparency लानी पड़ेगी in the judicial appointment, otherwise these controversy will rise again and again. And you have to bring in transparency, you have to decrease the opacity in appointment, you have to put the information in the public domain, ताकि लोगों को ये at least satisfaction रहे that they knew about all these decisions and they know what is the reason of selecting that Supreme Court judge or something like that. Okay, so that is the thing that has been discussed in this editorial. Now the lead editorial is on the US withdrawal from Afghanistan. तो आप सबको पता है कि अभी recently जो Donald Trump उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया कि वी विल बी विड्रॉइंग फ्रॉम अफगानिस्तान, धीरे धीरे अपनी ट्रूप्स को बाहर खींच लेंगे. नाउ द ऑथर सेज दैट ये जो डिसीजन लिया गया है इट इज बेसिकली ड्यू टू द फेलियर ऑफ 2017 अफगानिस्तान पॉलिसी. आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये आए एज अ प्रेसिडेंट, इन्होंने बोला कि नाउ वी विल स्टार्ट द न्यू अफगान पॉलिसी, हम एक न्यू अफगान पॉलिसी लेके आएंगे. इन 2017 उन्होंने कहा कि हम न्यू अफगानिस्तान पॉलिसी लेके आएंगे. बट दैट पॉलिसी जो कि पहले उन्होंने सोचा कि इट विल एंड द मिलिट्री स्टेलमेट बाय एक्सपेंडिंग यूएस प्रेजेंस एंड इंक्रीज द ट्रूप्स बाय 5,000, तो उन्होंने पहले ट्रूप्स को इंक्रीज कर दिया 5,000 से. देन उन्होंने पाकिस्तान को भी नोटिस दे दी. ओके, पाकिस्तान को नोटिस दी एंड अफगानिस्तान की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया. बट मोर देन अ ईयर लेटर दिस पॉलिसी हैज क्लियरली फेल्ड. ये पॉलिसी बिल्कुल वर्क नहीं कर रही है. तालिबान ने अपनी जो पोजिशन थी उसको और ज्यादा इंप्रूव कर दिया है. दैट वेंट इन फेवर ऑफ तालिबान. एंड जो
हक्कानी नेटवर्क और तालिबान है, दे हैव ग्रोन मच मोर पावरफुल इन पाकिस्तान. तो उनका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है. सो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस इन एन आर्टिकल, कि हक्कानी नेटवर्क, तालिबान जिसको आपको ख़त्म करना था, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए बिकॉज ऑफ योर पॉलिसी. आपकी पॉलिसी इतनी ज़्यादा फेल हो गई है. ओके नाउ जो US ने अभी तक स्पेंडिंग की है उसका अगर टोटल हिसाब लगाया जाए तो एस्टिमेटेड $800 बिलियन इन्होंने खर्च कर दिए हैं, क्यूमुलेटिव कॉस्ट जो आई है ऑन US डिप्लॉयमेंट्स, एंड $105 बिलियन इन्होंने केवल रिबिल्डिंग अफगानिस्तान में खर्च किए हैं. तो $800 बिलियन ऑन US डिप्लॉयमेंट्स एंड ओनली $105 बिलियन फॉर बिल्डिंग अफगानिस्तान. तो देख लीजिए डिप्लॉयमेंट में कितना ज़्यादा खर्चा किया इन्होंने. ओके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बेसिकली USA और अफगानिस्तान से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको पता रहना चाहिए कि क्या फेलियर का कारण था और क्या चीज़ें जो चीज़ें हैं वो हमको थोड़ा सा जानना जरूरी रहता है. दैट इज द रीज़न वाई वी आर डिस्कसिंग दिस. ओके वॉट आर द रीजन्स फॉर अमेरिकाज फेलियर इन अफगानिस्तान. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट कि 2004 में अफगान कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द सेंट्रलाइज्ड पावर एज जस्ट सिमिलर टू USA. ओके जैसे USA में पावर होती है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंतर्गत सेंट्रलाइज्ड, उसी तरीके से अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने 2004 में उसको अप्लाई किया. बट अगर हम अमेरिका की बात करें तो देन देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी जो कि चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करती हैं. बट इन अफगानिस्तान वी डू नॉट हैव एनी सच इंस्टीट्यूशन. आपने सेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम ले लिया जैसे अमेरिका लिया है, लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन कर सके. और अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेंगे जो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन कर सकेंगे तो क्या होगा, आपकी जो पावर है वो डिस्पॉटिक हो जाएगी, वो डिस्पॉटिज्म की तरफ चली जाएगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अफगानिस्तान एंड USA और क्यों अमेरिका की पॉलिसी फेल हो गई आपके अफगानिस्तान में आके. देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स आर वीक एज एंटायर जनरेशन वॉज लॉस्ट टू एंटी सोवियत कॉन्फ्लिक्ट्स. जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है अफगानिस्तान का वो बहुत ज़्यादा वीक है. ओके द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अफगानिस्तान इज़ वेरी वीक एंड इट इज़ नॉट इन कंपेरिजन विद USA. तो USA सोच रहा था कि जैसे हम अगर बैठे हैं यहाँ पे तो एवरीथिंग विल बी सिमिलर टू USA, बट वो चीज़ हुई नहीं, पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि वहाँ का गवर्नेंस स्ट्रक्चर वीक था, वहाँ के लोग इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं थे इन ऑल दीज थिंग्स डेमोक्रेसी के फॉर्म को लेकर. अब अमेरिका तो 1783 से कर रहा है ये सारी चीज़ें, बट वो तभी 2004 में आफ्टर 200 ईयर्स वो चीज़ आ रही थी. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट की और इस कारण से अमेरिका की पॉलिसीज अफगानिस्तान में आके फेल हो गई. ओके देन देवर इंटरनेशनल ट्रूप्स फ्रॉम नियरली 34 कंट्रीज वहाँ पे थी. वहाँ पे ओपियम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा था जो कि फाइनेंस कर रहा था तालिबान को, उसको आपने काउंटर नहीं किया. सो ऑल दीज आर द इशू जिनके कारण की जो आपका USA का जो मिशन था अफगानिस्तान में वो बेसिकली फेल हो गया. ओके सो दीज आर द इशूज विच वर देयर. एंड ऑथर सेज दैट USA इज लुकिंग फॉर एन ऑनरेबल एग्जिट नाउ. तो USA जो है वो एक ऑनरेबल एग्जिट चाहता है अफगानिस्तान से, एंड इंडिया शुड टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिप्लोमेसी. तो ऑथर का सजेशन ये है कि इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए एंड दे शुड इन्वॉल्व मच मोर एक्टिवली नाउ. एंड इंडिया जो है वो इमेंस गुडविल इंजॉय करता है इन अफगानिस्तान एंड दैट वी हैव टू टेक एज एन अपॉर्चुनिटी. उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए एंड हमको और ज़्यादा उनके करीब आना चाहिए ताकि वी शुड बिकम अ प्रिफर्ड डेवलपमेंट पार्टनर फॉर अफगानिस्तान्स ट्रांजिशन, ताकि हम ही उनके प्रिफर्ड डेवलपमेंट पार्टनर बन सकें. तो दैट इज़ द सजेशन गिवन बाय द ऑथर टू इंडिया एज वेल, कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा क्लोज जाना चाहिए. Now the third article is related to learning little, that is related to the quality of education system in India. तो रिसेंटली द 13th एसर रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज. आप सबको पता है कि 13th एसर रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज. नाउ व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसर? द फुल फॉर्म इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. ओके एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज. नाउ इट कौन रिलीज करता है, दिस अनदर क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट इज हु रिलीजेज दिस रिपोर्ट. तो एनजीओ नेम्ड प्रथम रिलीजेज दिस रिपोर्ट. 2006 में फर्स्ट एडिशन आया था. द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस रिपोर्ट केम इन 2006 जो कि प्रथम ने रिलीज किया था. एंड वन अनदर फैक्ट इज दैट ये रूरल डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया जाता है. जो एसर का सर्वे होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, उसका जो सर्वे होता है वो रूरल डिस्ट्रिक्ट में होता है. सो दैट इज अनदर थिंग इंपॉर्टेंट. ओके नाउ व्हाट हैव बीन द फाइंडिंग्स ऑफ द 13th रिपोर्ट? ओनली 44.2% ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट्स इन रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स कुड रीड टेक्स्ट मिंट फॉर क्लास 2nd. तो 2nd क्लास के टेक्स्ट बुक्स को 5th क्लास के केवल 44.2% बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं. सो दिस इज द मिसफॉर्च्यून ऑफ दिस कंट्री एंड दिस परसेंटेज वॉज 53.1 इन 2008. तो 2008 में ये परसेंटेज 53.1 था और अब ये परसेंटेज 44.2 है. तो सब आगे बढ़ते हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस.
Now this situation is equally grim in private schools as well. अब government school में ऐसा है लेकिन private में भी ऐसा ही है कुछ कि only 65.1% of the class 5th student could read the text meant for class 2nd. तो बहुत अच्छी condition नहीं है, 65.1% ही कर पा रहे हैं, क्योंकि 100% होना चाहिए ना यार. अगर आप क्लास फिफ्थ में हैं और क्लास सेकंड की किताबों को पढ़ने के लिए अभी भी 100 में से केवल 65 बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द पॉलिसी, दिस इज द फेलियर ऑफ द स्टेट. देन अरिथमेटिक एबिलिटी हैज इंप्रूव्ड बाय 1.5% सिंस 2016. जो अरिथमेटिक एबिलिटी है वो थोड़ा इंप्रूव हुई है बाय 1.5% सिंस 2016. And a significant number of students could not even recognize the letters appropriate for their class. Now this is the reality. A significant number of students could not even recognize the letters appropriate for their class, highlighting severe barrier to the learning. Okay, so these are the issues which have been mentioned in the ESR report. Let me tell you some other green points as well. कुछ green points भी हैं, जैसे कि जो gender gap है that has decreased. Gender gap decrease हुआ है, तो मतलब female भी उतना ही आगे आई है, participation उनका हुआ है in the learning. So that is the good thing that came out of this ESR report. ये सारी चीज़ें हैं. Now what are the solutions offered by the editorial? क्या solutions offer करता है editorial? The first is that center should institute a review mechanism. Center को एक review mechanism institute करना चाहिए which will include all the state governments and private institutions covering elementary and middle school. Okay, तो elementary से लेके middle school तक cover करो, एक review mechanism बनाओ जिसमें सारे states और private institutions रहेंगे. Okay, state governments और private institutions रहेंगे, वो decide करेंगे और वो review करेंगे performance को, और उसके बाद कुछ अपनी policies framework बनाएंगे. Second thing is that a public consultation on outcome-based learning should be there. Okay, public consultation होना चाहिए, outcome-based learning होनी चाहिए, मतलब result आना चाहिए. Okay, outcome-based learning का मतलब क्या था? Result आना चाहिए after your learning. Okay, और जो deficit है early childhood education में, उसको किस तरीके से कम किया जा सके? How can this gap of early childhood education could be reduced? इन सब के ऊपर एक discussion, deliberation होना चाहिए. ये public consultation होना चाहिए. Then right to education act का जो enrollment बढ़ा है, उसके लिए और फ्रेमवर्क अप्लाई करने चाहिए ताकि पेरेंटल सपोर्ट और सिर्फ कोचिंग पर रिलाय ना करें और हर तरीके के बच्चों को सपोर्ट मिल सके. ओके, उनको अलग अलग तरीके से ट्रेन करना चाहिए और जो क्यूमुलेटिव लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए. राइट टू एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि इनरोलमेंट तो हो ही रहा है लेकिन उसका रिटेंशन भी रहे, आगे ड्रॉप आउट ना हो, ये सारी चीज़ें हमको मेक श्योर करनी चाहिए. दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर. नाउ द व्यू फ्रॉम आउटसाइड, बेसिकली ये जो है ये ह्यूमन राइट्स पे लिखा गया आर्टिकल है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं थे, बस इसमें ये चीज़ बोली गई है कि ऑथर हाईलाइट्स दैट इफ इंडिया वांट्स अ प्लेस एट इंटरनेशनल हाई टेबल, अगर हमको इंटरनेशनल हाई टेबल इंस्टीट्यूशंस में अपनी जगह बनानी है, देन वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज फर्स्ट थिंग, एंड वी हैव टू मेक स्टैंडर्ड्स पर्टेनिंग टू दीज ह्यूमन राइट्स एज पर द इंटरनेशनल लेवल. हमको एक तो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो खुद के लॉ हैं, जो हमारे डोमेस्टिक लॉज हैं, उनमें हमको जो स्टैंडर्ड्स रखने हैं वो बिल्कुल हाई लेवल के रखने हैं, और पर्टेन टू ह्यूमन राइट्स वो इंटरनेशनली कंपेरेबल होना चाहिए, तभी हमको कोई हाई पोजीशन मिलेगी, तभी हमारी रिस्पेक्ट की जाएगी. अदरवाइज जैसा हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट यूएन एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव ऑलवेज बीन क्रिटिक अबाउट इंडियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, दे हैव बीन क्रिटिसाइजिंग इंडियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन. तो हमको वो कंडीशन नहीं आने देनी है, हमको अपनी प्रेस्टीज बनाने की जरूरत है. वी हैव टू इंप्रूव आवर प्रेस्टीज क्रेडिबिलिटी एज अ ह्यूमन राइट प्रोटेक्टर कंट्री. ओके, हमको ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टर कंट्री के रूप में आना चाहिए सामने, एंड देन ओनली वी विल बी गेटिंग सम गुड पोजीशंस इन द इंटरनेशनल टेबल्स, और वहां पे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी. सो दिस इज व्हाट हैज बीन द सजेशन ऑफ दिस आर्टिकल. एडिटोरियल में यही चीजें बताई गई हैं. नाउ दिस यस नो वाला जो आज क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लिकेटेड वाला इशू, इट वॉज ऑन BSP-SP अलायंस, एंड दिस इज अ वेरी पॉलिटिकल इशू. सो अब इलेक्शन आने ही वाले हैं तो उसके बाद अपन देख लेंगे कि ये सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं. अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर आइडियोलॉजिकल डिबेट हो जाती है, सम पीपल दे फ्लो विद द आइडियोलॉजीज एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ हमको डिस्कस नहीं करनी चाहिए. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, एंड दिस इज रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट सेटिंग डेडलाइन फॉर लोकपाल सर्च कमेटी. नाउ लेट मी टेल यू दैट लोकपाल लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, 2013 में ये एक्ट बन के आया, और अभी भी कोई लोकपाल हमारे यहाँ अपॉइंट नहीं किया गया है. नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे दे हैव फिक्स्ड फेब्रुअरी एंड एज अ डेडलाइन फॉर द सर्च कमिटी ऑन लोकपाल टू रिकमेंड अ पैनल ऑफ नेम्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट एंटी ग्राफ्ट ऑम्बुड्समैन. कंट्री के पहले एंटी ग्राफ्ट ऑम्बुड्समैन को अपॉइंट करने के लिए नाम जो है वो फेब्रुअरी एंड तक देना जरूरी है. दिस इज वॉट द डेडलाइन सेट बाय सुप्रीम कोर्ट. ये डेडलाइन सेट की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट. ओके,
अब देखो होता क्या है, लेट मी टेल यू द प्रोसेस व्हाट हैपेंस इज दैट, सर्च कमिटी होती है, देन दे फॉरवर्ड द नेम टू सिलेक्शन कमिटी. रिमेंबर दैट देयर इज अ सर्च कमिटी एंड दैट देन दैट सर्च कमिटी रिकमेंड्स द नेम टू द सिलेक्शन कमिटी एंड देन दैट सिलेक्शन कमिटी गिव्स द फाइनल नेम. ओके, सो ये होता है. सर्च कमिटी को अभी नाम देना है किसको, सिलेक्शन कमिटी को, एंड देन सिलेक्शन कमिटी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन बनेगा. सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं बता देता हूँ. द मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमिटी कंप्राइजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पहले तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देन लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, सिंगल लीडर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के होते हैं, देन लोकसभा स्पीकर एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. तो दीज आर द फोर मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी, सर्च कमिटी नहीं, सिलेक्शन कमिटी, जो कि फाइनली आपको बताएगा कि कौन लोकपाल है या कौन इंडिया का पहला एंटी ग्राफ्ट ऑम्बुड्समैन है. सर्च कमिटी नाम देगी किसको, सिलेक्शन कमिटी को, एंड देन सिलेक्शन कमिटी विल डिसाइड. सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, लोकसभा स्पीकर होते हैं, एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है. सो दीज आर द फोर नेम्स विच आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ द सर्च कमिटी जो अभी बनाई गई है, इट इज हेडेड बाय एपेक्स कोर्ट, फॉर्मर एपेक्स कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई. तो रंजना प्रकाश देसाई जो है वो हेड कर रही है इस सर्च कमेटी को. तो ये कमेटी किसको नाम देगी, सिलेक्शन कमेटी को, एंड देन सिलेक्शन कमेटी फाइनल नाम देगी. तो आपको आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, प्रोसेस समझ में आ गई होगी बेसिकली. ओके, और यही पूरी प्रोसेस है जिसको कि डेडलाइन फरवरी तक की सेट की है बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी है. नाउ लेट्स सी कि इंडिया को पहला एंटी ग्राफ्ट एम्बुड्समैन कब मिलता है, दिस इज द बिग क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. यहाँ पे रफेल के बारे में दिया गया है, बट आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं इंटर करना है. वी आर नॉट पॉलिटिशियंस जो कि कॉन्ट्रोवर्सी को डिस्कस करें. बस ये जान लीजिए कि डसॉल्ट है, फ्रेंच है, मल्टी कॉम्बैट रोल एयरक्राफ्ट है, स्क्वाड्रन क्या होता है, स्क्वाड्रन मतलब ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट मिलकर एक स्क्वाड्रन बनाते हैं. देन इंडियन अमेरिकन नेम्ड टू की पैनल, बेसिकली डेमोक्रेटिक लॉ मेकर है राजा कृष्णमूर्ति, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ कांग्रेशनल कमिटी ऑन इंटेलिजेंस. तो बेसिकली अमेरिका में कांग्रेशनल कमिटी ऑन इंटेलिजेंस के एक मेंबर बनाए गए हैं डेमोक्रेटिक लॉ मेंबर राजा कृष्णमूर्ति, एंड ही हैज बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन, ही हैज बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन टू सर्व इन द पावरफुल बॉडी. ओके, तो ये पावरफुल बॉडी इंटेलिजेंस कमिटी है, वहाँ की राजा कृष्णमूर्ति नाम याद रखिएगा, पावरफुल बॉडी, एंड दिस लुक्स फॉर द यूएसएस नेशनल सिक्योरिटी, यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में ये कमेटी है, याद रखिएगा इंटेलिजेंस कमेटी है वहाँ की, एंड इसको कौन इसमें कौन मेंबर है, राजा कृष्णमूर्ति, ही इज द फर्स्ट साउथ एशियन टू बिकम अ पार्ट ऑफ सच कमिटी. ये पहले साउथ एशियन बन गए हैं टू बिकम द पार्ट ऑफ सच कमिटी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, देखते हैं कोई और न्यूज आइटम है जो अपन को डिस्कस करनी जरूरी है. रुपी पैक्ट विद ईरान टू एड फार्मा एक्सपोर्ट्स. नाउ रिसेंटली आप सबको पता है कि ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं. सैंक्शंस हैव बीन पुट ऑन ईरान बाय यूएसए, और इसके कारण से ईरान के जो रिलेशंस है यूरोप के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ थोड़ा स्ट्रेनस हो गए हैं. केवल कुछ कंट्रीज को ही एग्जेम्पशन मिला है कि वो अभी भी डील कर सकते हैं विद ईरान, एंड इसका फायदा थोड़ा इंडिया उठा रहे हैं. नाउ इंडिया हैज़ डन अ रुपी ट्रांसफर एग्रीमेंट, रुपी से ट्रांसफर करेंगे, और ये एग्रीमेंट जो है इसमें क्या होगा कि इंडियन रिफाइनर्स दे विल मेक पेमेंट्स इन रुपीज फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान. ओके, तो इंडियन के जो रिफाइनर्स हैं, इंडियन रिफाइनर्स, दे कैन मेक द पेमेंट्स इन रुपीज फॉर ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान. तो ऑयल हम लेंगे लेकिन जो पेमेंट हम करेंगे वो किस में करेंगे, वो हम रुपी में करेंगे. अब होगा क्या कि वो रुपी कैसे यूज करेगा ईरान, नाउ ईरान विल यूज दैट रुपी इन द फार्मा सेक्टर्स ऑफ इंडिया. ओके, वो इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स और ये सारी चीजें लेने में यूज करेगा. सो दिस इज द थिंग जो कि हमने ये जो हमको बेनिफिट होगा, इसमें डबल एस्ड बेनिफिट हमको मिल रहा है. एक तो हम ऑयल ले रहे हैं और रुपी में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डॉलर में नहीं करना पड़ रहा, तो हमारा जो फॉरेक्स है वो हमारा कम नहीं हो रहा है. दूसरा हमारा एडवांटेज क्या है कि वो पैसा भी दोबारा वापस आ जा रहा है फार्मास्यूटिकल्स के नाम पे. नाउ लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ दिस. ईरान हैज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मा इंडस्ट्री एंड दैट मीन्स 80% ऑफ द कंट्रीज रिक्वायरमेंट. ईरान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड है और 80% वहां की रिक्वायरमेंट वहीं से हो जाती है. रिमेनिंग 20% अभी तक यूरोप से होती थी, रिमेनिंग 20% अभी तक यूरोप से होती थी, लेकिन अब जब ये सैंक्शन आए हैं तो यूरोप के साथ उनके रिलेशन स्ट्रेनस हो गए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, तो यूरोप के साथ इतना ज्यादा ट्रेड नहीं कर सकते. सो दैट 20% को हम टारगेट करें. नाउ इंडिया इज टारगेटिंग दैट 20% और वो फार्मास्यूटिकल के रूप में हमारे पास आएगा पैसा वापस. सो दिस इज द डबल एज एडवांटेज जो कि इंडिया को मिल रहा है. या आप इंडिया ईरान के रिलेशंस में भी लिख सकते हैं, एंड सैंक्शंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कभी कि ईरान सैंक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे, तो उस पर भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री के साथ जो हमारा फार्मा एक्सपोर्ट था वो किस तरह से बढ़ सकता है, और रुपी एग्रीमेंट हमने किया तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा बचा रह गया और बाकी सारी चीज़ें हमको एडवांटेज मिला.
एनजीटी फिर से न्यूज में आया तो फिर से बता देता हूँ एनजीटी के बारे में आपको। एनजीटी इज बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कब बनी, 2010 एक्ट से बनी। इट वॉज क्रिएटेड बाय 2010 एक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और एनजीटी जो है वो बेसिकली एक्सपीडियसली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए कि जल्दी से जल्दी उनके डिसीजंस आ सकें और इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को कम कर सकें, ये सारी चीज़ें, इसलिए एनजीटी बनाया गया। इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव सच अ मैकेनिज्म। इसके पहले जो दो कंट्रीज हैं वो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है वो तो इसके अंतर्गत आता है, उसके केसेज ये हैंडल करते हैं। वाटर प्रिवेंशन पॉल्यूशन एक्ट 1974 आता है, देन आपका एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 आता है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। देन अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट एनजीटी इज नॉट बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, और केवल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वहां पे अप्लाई होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, दे आर नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रादर दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एनजीटी के बारे में है। सो लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन जिसका आंसर आप करिएगा कमेंट सेक्शन में कि वेयर आर द ब्रांचेस ऑफ एनजीटी सिचुएटेड। ओके, तो इनकी ब्रांचेस फिर से बताइए कि कहाँ सिचुएटेड है। सो दैट विल बी अ क्वेश्चन फॉर यू। दीज आर द स्पोर्ट्स सेक्शन न्यूज आइटम्स। लेट्स मूव, यहाँ पे कुछ आज ऐसा हुआ नहीं था खास जिसको अपन डिस्कस करें, सो लेट्स वी कैन इग्नोर दिस एंड दिस इज द लास्ट पेज। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल, वी विल बैक अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।